नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज खबर में और मैं हूं अनिल शर्मा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको आज खबर के माध्यम से बताना चाहेंगे कि राजौरी के इलाके में एक ऑपरेशन किया गया जिसमें आर्मी के बेस कैंप का अगर जिक्र करते हैं तो वहां पर आतंकी जो है इस तरह की फरार करते हैं और इस बीच जब ऑपरेशन होता है और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और इस आतंकी हमले का अगर जिक्र करते हैं तो वहां पर जो है दो आतंकियों को हमारे सुरक्षा कर्मियों ने मौत के घाट उतारा है। और इस वक्त राजौरी के इलाके का जिक्र करते हैं तो वहां पर एक मुठभेड़ शुरू हुई और उस मुठभेड़ में दो आतंकियों को हमारे सुरक्षा कर्मियों ने मौत के घाट उतारा है। और इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि जो सूत्रों से अभी जानकारी मिल रही है, ये बताया जा रहा है कि इस हमले के दौरान जो है इस ऑपरेशन में, आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में जो राजौरी के अंदर चला है कुछ देर पहले, आपको बता दें कि जो सूत्रों ने हमें अभी तक जानकारी दी है और ANI ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, यह बताया है कि इस ऑपरेशन में तीन जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। और कहीं ना कहीं राजौरी के इलाके के अंदर एक बड़ी आतंकी साजिश को रचना चाहते थे और इस आतंकी साजिश को हमारे सेना की बात करें पर या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो उस ऑपरेशन को जो है जो आतंकी साजिश थी उसको विफल किया है। और एक बड़ी खबर जो है वो राजौरी के इलाके जो दिलाल इलाका है वहां पर अगर बात की जाए तो कैंप का जिक्र करते हैं जहां सेना कैंप है और उसके नजदीक दो आतंकी इस तरह की मूवमेंट दिखती है और सेना सतर्क हो जाती है और सतर्क जब होती है तो इस ऑपरेशन शुरू होता है और ऑपरेशन में दोनों तरफ से जो है वो फायरिंग शुरू होती है और इस फायरिंग में दो आतंकियों को जो है हमारे सेना ने मार गिराया है। और इसके साथ साथ जो अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस ऑपरेशन के दौरान जो है तीन जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हालांकि इसके बारे में ऑफिशियली जो है वो पूरी तरह से अभी आपको बता दें कि जानकारी सामने नहीं आई है। जो अभी तक सूत्रों ने बताया है, ट्वीट कर जानकारी दी है, ये कहा है कि ANI ने जो ट्वीट किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि उनका कहना है कि तीन जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, राजौरी के अंदर एक बड़ी आतंकी साजिश को रचने जा रहे थे। और आपको बताते चले कि दो आतंकी जो सेना के कैंप ऑपरेटिंग कैंप अगर कैंप का जिक्र करते हैं तो वहां पर घुसने की फिराक करते हैं और उस बीच मुठभेड़ शुरू होती है और मुठभेड़ के दौरान जो है दो आतंकियों को हमारे सैनिक जो है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उन्हें मौत के घाट उतारती है। और इसमें आपको बताते चले कि इस ऑपरेशन के दौरान जो अभी सूत्र हमें बता रहे हैं, यह कहा जा रहा है कि इसमें तीन जवान जो है इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बड़ी आतंकी साजिश को रचना चाहते थे राजौरी के इलाके के अंदर। राजौरी इलाके का जिक्र करते हैं तो आपने पहले भी देखा होगा कि एक बड़ी साजिश को पहले भी अंजाम दिया जा रहा था। तालिब हुसैन कोटरंका इलाके में भी इसी तरह की एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता था मगर उससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे रियासी के इलाके से गिरफ्तार किया और उसके साथी को गिरफ्तार किया। और आज आपको बता दें कि इसी तरह की एक और बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे और इस मुठभेड़ के दौरान जो है दो आतंकियों को हमारे सुरक्षा कर्मियों ने मौत के घाट उतारा है। और इस बीच जो अभी तक जानकारी मिल रही है, सूत्र हमें बता रहे हैं, आपको हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान हमने जो है तीन जवानों को खोया है। और कहीं ना कहीं बेहद इस बीच जो है वो दुखद खबर भी है जो इस वक्त हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और एक बड़ी खबर आपको राजौरी से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ी साजिश को हमारे सैनिकों ने इस दौरान जो राजौरी के अंदर जो एक बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी उस बड़ी आतंकी साजिश को विफल किया है। एक बड़ी खबर जो थी आज खबर के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहे आज खबर के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद।